hello everyone welcome to my history class so dear student today we will continue chapter 2nd of class 12th kings farmers and towns in our previous video we have completed introduction and first topic so in this video we will start from the second topic the earliest states which were the first earliest states द सिक्सटीन महाजन पदाज सिक्सटीन महाजन पदाज मेन जो महाजन पदा थे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट डू मीन बाई महाजन पदा सो सी दिस डिफीनिशन जन पदा मीन्स द लैंड वेयर अ जना अ पीपल क्लान और ट्राइब मीन्स वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जन पदा पदा क्या होता रहने वाले फूट्स की अगर बात करें पद क्या होते हैं फूट जहाँ लोगों के फूट uh, होते हैं जहाँ लोग सेटल होते हैं जहाँ वो पे जहाँ पे लोग रहते हैं दैट इज़ कोल्ड जनपदा एंड ग्रुप ऑफ जनपदा इज कोल्ड महाजनपदा सिंपली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक like एक ग्रुप ऑफ विलेजेस एक विलेज होता है जिसमें कई सारे ग्रुप ऑफ मेम्बर्स मिल के रहते हैं वो विज बनाते हैं एंड विलेज ग्रुप ऑफ विलेज क्या बनती है एक डिस्ट्रिक्ट एंड देन ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट का से स्टेट सो so सिमिलरली ग्रुप ऑफ जनपदा इज कॉल्ड महाजनपदा सो जना पीपल क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फूड और सेटल्स इट इज़ अ वर्ड यूज इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत दोनों जगह ये यूज होता है सो लेट अस स्टार्ट द सिक्स्थ सेंचुरी बी सी ई इज़ ऑफन रिकार्डिड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री सिक्स सेंचुरी बी सी ई वेन वी स्टार्टिड दिस चैप्टर हमने टाइम लाइन जो देखी थी इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट द टाइम लाइन ऑफ सिक्स सेंचुरी बी सी टू सिक्स सेंचुरी सी ई सो सिक्सथ सेंचुरी बी सी जो थी एक टर्निंग पॉइंट थी जिसमें बहुत सारी अर्ली स्टीट्स एम्पायर्स एम्पीरियल रूल वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है डेवलपमेंट्स होती हैं ट्रेडिंग होती है सो लेट एस सी क्या टर्निंग पॉइंट था इट इज़ एन एरिया एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स सिटीज एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन द डेवलपमेंट ऑफ कोइनेज एट्सट्रा ये वो टाइम था जिसमें स्टेट्स अस्टैब्लिश होती हैं डेवलप होती हैं सिटीज़ डेवलप होती हैं आयरन का यूज़ ज़्यादा ग्रो होता है कोइनेज कोइंस जो हैं वो डेवलप होती हैं इट ऑल्सो विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थाट तो ये वही टाइम है जिसमें कई सारे थाट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं लाइक बुद्धिज़्म जैनी इन

जो मेन सिक्सटीन स्टेट थी जिन्हें क्या बोला जाता था महाजन पदाज ग्रुप ऑफ जनपदाज इज कॉल्ड महाजन पदार्ज ओल दो द लीस्ट वेरी वेरी मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ ही सिक्सटीन थे अप डाउन भी हो सकते हैं कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं सम नेम्स कुछ मेन जो है उनके नेम्स यहाँ पे गिवेन हैं जो मेन थे उनमें से सो सम नेम्स आर गिवन सो फर्स्ट ऑफ सच एज वजी फर्स्ट क्या था वज्जी मगधा कुशाला कुरु पांचाला गंधारा अवंती अक्कर फ्रीक्वेंटली सो so, आज के टाइम पे ये जो सारे एरियाज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं वज्जी जो कहाँ पे है बिहार में मगधा जो कहाँ पे है ये भी सेम बिहार कुशाला यूपी में है कुरु आपका डेली में है पंचाला उत्तराखंड में है पहले ये यूपी में था ना इट इज़ इन उत्तराखंड गांधारा पाकिस्तान में है अवंती हमारा मध्य प्रदेश में है सो so, ये वो मेन स्टेट्स हैं जो उस टाइम पे सिक्स सेंचुरी बी सी में डेवलप्ड थी क्लियरली वर अमंगस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजन पदार्ज ये जो मेन इंपोर्टेंट थे ना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा इन्फ्लुन्शियल थे उनमें से कुछ हैं वाइल मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स सम नोन गनास और संघास वर ओलीगरचीज ओली उलिगर्ची क्या होती है गवर्नमेंट जो गवर्न करते हैं तो गनास की उनको या तो गनास बोला जाता था या फिर संघा बोला जाता था संघा से डिनोट किया ओलीगरची इज गिवेन इन नेक्स्ट पेज द डेफिनेशन ऑफ ओलीगरची यू कैन सी फर्स्ट ओलीगैर्ची मीन्स ओलीगैर्ची रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाई अ ग्रुप ऑफ मैन जिसमें सिर्फ एक रूलर नहीं होता कई सारे लोग होते हैं जो पावर शेयर करते हैं द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रीड लास्ट ईयर वॉज एन इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम रोम रिपब्लिक रोमन एम्पायर जो आपने एलेवंथ क्लास में पढ़ा था तो उसमें ऐसे ही था आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे रूलर्स uh, थे पावर शेयर थी एंड उसके बाद एपेक्स पे एक रूलर होता था जो सबको इंस्ट्रक्शंस देता था सो so, सिमिलरली ये क्या होता है ओली ग्रुप ऑफ रूलर्स जिसमें रूल करते हैं सो so, पावर जो है शेयर होती है वेयर पावर वॉज शेयर बाई अ नंबर ऑफ मैन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा सबको जो पावर शेयर की जाती है ना सबको क्या बोला जाता है राजा बोला जाता है बोध महावीरा एंड द बुद्धा चैप्टर फोर में आप देखेंगे महावीरा जो हमारे सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं उनकी एक डाइटी है और बुद्धा जो बुद्ध धर्म की एक डाइटी है जिनको बाद में बुद्धा जो है गौतम बुद्ध के नाम से उनकी बाद में वर्शिप की गई है तो चैप्टर फ़ोर में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिलोंग टू सच गनास इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ द वज्जी संघा वजी जो संघा था वजी, वजी संघा के बारे में बात करते हैं द राजाज प्रोबेबली कंट्रोल्ड रिसोर्स सच एज लैंड कलेक्टिवली जितने भी वजी संघा में जो राजा थे वो सब सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखते थे लाइक like लैंड अब लैंड ही मेन रिसोर्सेज होते थे जितना भी एनशन टाइम की बात करें तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उस टाइम पे क्या था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स होते थे मेन उनके अर्निंग रिसोर्सेज राजा प्रो ओके ओके ऑल दो देर हिस्ट्रीज़ आर ओफन डिफिकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट ड्यू टू दैक ऑफ सोर्सेज सम ऑफ द स्टेट लास्टेड फोर नीयरली अ थाउजेंट ईयर्स सो अगर हिस्ट्री जो कहें तो वो रिकंस्ट्रक करना इतना ईजी नहीं है रिसोर्स इतने ज़्यादा आवंटन में नहीं हैं कुछ की जो हैं वो थाउजेंट ईयर से पहले ही खत्म हो गई थी कुछ जो हैं वो थाउजेंड ई ईयर्स तक रही हैं तो क्या इतनी लंबी हिस्ट्री के रिसोर्सेज मिलना पॉसिबल है इट इज़ नॉट पॉसिबल हो सकता है कि एंड के कुछ ईयर्स होंगे कुछ फॉसिल्स मिल गए होंगे कुछ एविडेंस मिल गए होंगे पर क्या स्टार्टिंग के एविडेंस मिलने पॉसिबल हैं नो सो इस वजह से रिकन्स्ट्रक्ट करना इतना ईजी टास्क नहीं है ईच महाज महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी विच वॉज़ ओ ओपन फोर्टिफाइड जो भी कैपिटल सिटी थी ना सबकी अपनी अपनी कैपिटल सिटी थी जिसे फोर्टिफाइड किया जाता था फोर्टिफिकेशन क्या होता है चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से बना देना कि बाहर वाले को पता ही ना चले कि अंदर क्या चल रहा है कितने लोग हैं कितने उनकी आर्मी है एवरीथिंग तो ये उनकी फ़ोर्टिफिकेशन होती थी मैंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज़ एज़ वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपियंट आर्मीज एंड ब्यूरोज रिक्वायर रिसोर्सिस अब जो उनकी बेसिक जो आर्मीज थी उनको मेन्टेन करने के लिए ब्यूरो के लिए तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती थी रिसोर्सिस की फ्रॉम सी सिक्स सी हमेशा के इसलिए होता है अप्रोक्सीमेट सेंचुरी बी सी ईनवर्स ब्राह्मणाज बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र तो ब्राह्मणास जो थे वो एक संस्कृत टेक्स कंपोज कर रहे थे जिसे क्या बोला जाता था धर्म सूत्रास धर्म धर्म क्या होता रिलीजन एंड सूत्रास उसके जो रूल्स वगैरह होते हैं दीज लीड डाउन नोम्स फॉर रूलर्स तो इन धर्म सूत्रा में नोम्स किसके लिए होती थी रूलर्स के लिए एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिया जब चैप्टर थ्री में हम पढ़ेंगे कि इन्हें क्षत्रिय माना जाता था ऑल दो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी अपना पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि चार जो थे उनमें डिवाइड कर रखा था हमारी सोसाइटी को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र एंड शल्य वैश्य जिसको बोलते थे तो ये क्या थे फोर उनमें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे क्षत्रिया जो Uh, आर्मी में जो सेना में या फिर जो वॉर वगैरह में इन्वॉल्व होते थे सो चैप्टर थ्री में डिटेल में हम पढ़ेंगे रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस सो उन सब से टैक्सेस लेते थे एंड गिफ्ट्स वगैरह जो भी वो तोहफे वगैरह उनको प्रोवाइड करते थे वो सब उनसे कलेक्ट करते थे वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल तो ये नहीं पता कि रिसोर्सिज़ उनसे भी प्रोक्योर सॉरी उनसे भी कलेक्ट किए जाते थे क्या पेस्टोरलिस्ट और फॉरेस्ट पीपल से वी डू नॉट रियली नो नहीं पता कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे आते हैं जिनको हम नहीं क्लियर कर पाते हिस्टोरियन उनके बारे में कोई क्लियर एविडेंस उनको नहीं पता होता तो हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता वट वी डू नो इज़ दैट रेट्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकोगग्नाइज रिकोगनाइज एज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ सो हमें पता क्या चला है मीन जो पैसे पैसा कहाँ से वो कमाते थे क्या करते थे अपनी नेबरिंग स्टेट जो होती थी आपस में एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे लूटते रहते थे और वहाँ से जो रेड्स वगैरह लेके जो पैसा लेके आते थे उसी से वो अपनी वेल्थ अपनी खजाना अपना भरते थे ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोसीज तो कुछ जो स्टेट्स थे उनके पास उनकी स्टैंडिंग आर्मीज होती थी और ब्यूरोक्रेट्स को वो रेगुलर ब्यूरोसीज जो होती थी उसे वो मेंटेन रखते थे ब्यूरोसी क्या होती है जो ऑफिसर्स होते हैं ना हमारे गवर्नमेंट के जो गवर्न करते हैं रूल रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं अदर कंटिन्यूड टू डिपेंड ऑन मिलिशिया रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नोट फ्रॉम द पीज दूसरा क्या था एक ऐसा मिलिशिया मिलिट्री से ये वर्ड बना है मिलशिया किस तरह का मिलिशिया बनाना जिसमें कहाँ से लोगों को कहाँ से रिक्रूट किया जाता था पीज से ऐसे नहीं कि सिर्फ परफेक्ट या ट्रेंड जो पीपल थे उनको ही नहीं पीजेंट्री एंट्री से भी वह उनको अपॉइंट किया जाता था नेक्स्ट फर्स्ट द सिक्सटीन अब उन सब में पहली डेवलप्ड सिटी या स्टेट कौन सी थी मगधा सो इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट द मगधा क्या था मगधा में क्या स्पेशलिटी थी मगधा की बिटवीन द सिक्स एंड द फोर्थ सेंचुरी बी सी ई मगधा प्रजेंट डे कहाँ पे है क्या है बिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन अ वेराइटी ऑफ वेज बहुत सारी अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो इस डेवलपमेंट को जैसे शो किया है जिस तरह में बताया है तो वो अलग अलग वेज हैं मगधा वॉज़ अ रीज़न वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव सो so, बहुत प्रोडक्टिव था ये वो जगह है जहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो ज़्यादा होती थी बिसाइड्स आयरन माइन्स जो आजकल कहाँ पर हैं झारखंड में वर एसेबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स डेफिनेटली जो माइन्स हैं आयरन वगैरह की उनसे उनके टूल्स बनते थे एलिफेंट्स एन इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ द आर्मी आर्मी जो थी वो एलिफेंट्स को यूज़ करती थी एलिफेंट्स को उस पर सवार होके जाती थी लाइक like हॉर्स वाली आर्मी जो कैलरी होती है ना सिमिलरली उनकी जो आर्मी थी वो एलिफेंट्स पे बेस्ड थी। वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन सो उस एरिया में जंगलों में जो थे वो एलिफेंट पाए जाते थे ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीफ एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन सो एज़ वी ऑल नो कि हमारा एंशियन टाइम जो था उसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था सी रूट रिवर रूट वोटर रिवराइन रूट जो होता है सो so, गंगा और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज थी उनसे उनको कम्युनिकेशन के लिए रूट मिल जाता था ट्रेवल कर सकते थे चीप चीपली वो बहुत होता था हाउ एवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना राइटर्स हु रोट अबाउट मगदा एट्रीब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज़ ऑफ इंडिविजुल्स सो जो बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स हैं उन्होंने मगधा के बारे में जो लिखा है उनकी जो उनके लिए जो उन्होंने रिस्पेक्ट जो दिखाई है उनकी पॉलिसी जो थी पावर टू द पॉलिसीज़ वो क्या थी इंडिविजुल्स थी रूथलेसली एम्बीशियस किंग्स ऑफ होम अब जो किंग्स थे वो अपने अकॉर्डिंग अपनी खुद की एक तरह से अपने बेनिफिट के लिए बनाते थे सो so, उन उनमें से कौन थे बिम्बी सार बिम्बी सार उनमें से एक थे जो थोड़े क्रूएल थे अजाता सत्तु, वो भी क्रूएल थे एंड महा पद्मानंदा आर द बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर्स हुप्लीमेंट देयर पॉलिसीज मिनिस्टर्स क्या करते थे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते थे इनिशियली राजगाहा द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार सो आज के टाइम पे ये कहाँ पे है बिहार में वाज़ द कैपिटल ऑफ मगदा इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग राजगाहा सो देखो इन्होंने क्या बताया प्राकृत नेम क्या था जो राजगीर बिहार में है उसे क्या बोलते थे राजगाह, राजगाह का मतलब क्या होता है किंग हाउस ऑफ किंग वो अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंगस्ट हिल्स हिल्स के आसपास होती थी और क्या होती थी फोर्टी Forti, फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है एज आई टोल्ड यू चारों तरफ क्या होती है उसको बड़ी बड़ी वॉल्स से कवर कर दिया जाता है लेटर इन द फोर्थ सेंचुरी बी सी द कैपिटल वॉज शिफ्ट टू पाटली पुत्रा सो दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स यू शुड मार्क दैम एस ये जो होते हैं आपके एम सी क्यू फॉर्म में आते हैं सो इन फोर्थ सेंचुरी बी सी कैपिटल जो है वो कहाँ शिफ्ट होगी राजगह से पाटलीपुत्रा जो आज के ना टाइम पर उसका नाम क्या है पटना कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग द गंगा गंगा के साथ साथ वो कम्युनिकेशन की रूट्स प्रोवाइड करते हैं सो बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द मैप अगर मैप की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेंगे जो मेन अभी हमने पढ़े थे ना अपने सिक्सटीन महाजनपदा गंधारा आपको दिख रहा है पाकिस्तान साइड है तक्षशिला जो है वो भी पाकिस्तान साइड है कुरु पंचाला कुशाला कोशी मल्ला वज्जी मगधा अंगा वंगा ये देख लीजिए अवंती मत्स्या सरुशेना सुरासेना तो ये सारे के सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे गेमन है ना ये मैप आपका अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स इसमें सब क्या है अर्ली स्टेट्स भी हैं और उनकी कैपिटल्स भी गिवन है लाइक तक्षशिला क्या थी कैपिटल थी ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना मगधा जो स्मॉल लेटर्स में है वो क्या है राजगीर राजगीर राजगाह क्या थी मगधा की पहले तो वही थी ना उनकी कैपिटल उसके बाद किस फोर्थ सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्रा जिसका नाम आज के टाइम पे क्या है पटना उसमें शिफ्ट हो गई थी सो मैप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम ईच चैप्टर सम क्वेश्चन ऑफ मैप आर देर एंड दे विल कम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो मैप के क्वेश्चन हैं वो एक से ज़्यादा चैप्टर से आएंगे टॉपिक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिए जाएंगे ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से आ गए तो सारे नहीं आएंगे सो so, मैप के आपके फाइव मार्क्स जो हैं वो इंश्योर कर लीजिए जितने भी आपके बुक में मैप दिए हैं उन सबको कवर कर लीजिए सो फॉर टुडे आई थिंक दिस इज़ इनफ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक अर्ली एम्पायर्स के बारे में मौर्याज गुप्ताज एंड लाइक like मेन जो थे समुद्र गुप्ता और मौर्यन एम्पायर के कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य सो so, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फॉर टुडे इट इज़ एनफ सो हैव है नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बाय